नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, ECS T10 में ईगल्स वर्सेस रियान का मुकाबला है, तो मैं इसके ड्रीम 11 की टीम बताऊंगा। इस टीम से आप एक अच्छा विन कर सकते हैं और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, ये पूरी वीडियो देखनी है। तो फ्रेंड्स, बताता हूँ कि इसमें आपको कौन सा प्लेयर चूज़ करना है, कौन सा नहीं। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले विकेट कीपर कौन सा हमें चूज़ करना है। विकेट कीपर की बात करी जाए तो आपको जो चूज़ करना है वो है वी विलिंग। वी विलिंग क्योंकि अब तक कांस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, बाकी अगर एस मोहम्मद दूसरे ऑप्शन होंगे चॉइस करने के लिए। इनमें से कोई सा भी प्लेयर एक अच्छा रोल नहीं निभा पाया, जैसे उनका नाम है, क्योंकि डब्ल्यू वैली के एक अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आप उनको लेके सेफ जोन में बैठ सकते हैं। मोहम्मद खान काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और ये हकीकत, ये दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देंगे। टॉप की पोजिशन पे आते हैं, आपको अच्छे रन दे सकते हैं। सरावर सरावर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर माने जाते हैं टीम के, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लगातार कॉन्स्टेंट परफॉर्म हो रहा है, हाइएस्ट रन मारे हैं अब तक इस लीग में, तो आप इनको जरूर लें। बाकी जो चौथा चौथा प्लेयर है वो है उल्ला। उल्ला भी एक दमदार प्रॉब्लम है, 5वें नंबर पे आते हैं, वो काफ़ी अच्छे खेलते हैं, इनके स्ट्रोक्स काफ़ी देखने लायक होते हैं, क्योंकि ये मैच एक आर्टिफिशियल पिच पे तो बहुत छक्के पड़ते हैं, काफ़ी तेज़ी से रन पड़ते हैं, तो जो प्लेयर सिलेक्शन होता है बड़ा ध्यान से करना होता है। ऑलराउंडर्स में एस हसनैन काफ़ी अच्छे प्लेयर लगेंगे आपको, एस अहमद, दोनों ही प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, आप इनको लेके कभी निराश नहीं होंगे, दोनों ही ऑलराउंडर्स काफ़ी अच्छे हैं, मिड ऑर्डर में बैटिंग करते हैं दोनों और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, तो आप इनको लेके खुश रहें। और जो तीसरे हैं आर पोलोनी ने अब तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन जिस हिसाब ने दिया है उसमें से सिलेक्शन हो सकते हैं, तो आप इनको सिलेक्ट करके अपनी टीम को एक अच्छा बना सकते हैं। बॉलर्स की बात करें तो सीन और राय काफ़ी अच्छा बॉलर है, हालांकि इनकी पिटाई कुछ ज़्यादा ही हो रही है कुछ टाइम से, लेकिन इनका जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो आप इनको ले। फिर है जायसवाल। जायसवाल ने अब तक बॉलिंग में एक बार 5 विकेट हॉल भी है, इनका मतलब 5 विकेट ले चुके हैं, तो एक अच्छे प्लेयर है। वहीं सुमित कुमार जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप इनको भी लेके अपनी टीम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैप्टन वाइस कैप्टन हम किसको बनाएं, वो पता ही नहीं लगता कौन सा प्लेयर चलेगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा प्लेयर पे दाव खेलना चाहिए। देखिए, सेफ रहना चाहते हैं तो अहमद और हसन पे लगा दें, रिस्क लेना है तो मोहम्मद खान और सरावर और वेलिक, इन सारे प्लेयरों पे कैप्टन वाइस कैप्टन का दाव लगा दें। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। थैंक यू फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।